जामलू 40-45 साल का एक आदमी था, एक आंख से कमजोर और एक पैर से भी लंगड़ा। एक तरह से कहा जाए तो विकलांग की श्रेणी में आता था। जीवन बड़ी ही कठिनाई से बीत रहा था और जिस तरह की उसकी काया थी, कोई लड़की तो उसकी ओर मुड़ के भी नहीं देखती थी, इसलिए बेचारे का विवाह नहीं हो सका। जीवन यापन के लिए सरपंच साहब के हाथ पांव जोड़कर पिता ने शमशान घाट में नौकरी लगा दी थी। शमशान में ही एक छोटे से कमरे में उसे रहना होता था और जो लोग लाशें आदि जलाने आते थे उसे सरकारी कर्ज वसूलना होता था और सरकारी पेपरों पर साइन वगैरह कराकर उन्हें क्लियरेंस देना होता था। जामलू की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। तनख्वाह यही कोई 1000-1500 थी। इतनी तनख्वाह में एक इंसान का गुजारा आज बड़ी मुश्किल से होता है और इसी वजह से शायद उसने विवाह भी नहीं किया, क्योंकि दूसरे का खर्चा उठाने के लायक वो था भी नहीं और जैसे उसकी काया थी, विवाह संभव ही नहीं था। मगर इस बात से जामलू को बड़ा खींच था। धीरे धीरे उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल भी हो गया था, मगर क्या किया जा सकता था। भगवान ने जो नियति लिखी है उसे तो पूरा करना ही था। उस दिन मंत्री जी शमशान घाट की साफ सफाई व्यवस्था देखने आने वाले थे, इसलिए जामलू को सरपंच साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि उसे अपने कमरे में दिन भर बने रहना है, क्या पता कब मंत्री जी आ जाएं। सवेरे 6 बजे से ही जामलू अपने कमरे में जाकर बैठ गया था, मगर उस दिन मौसम बहुत ही खराब था, तेज बारिश हो रही थी। शमशान घाट का वो कमरा एक छोटा सा खपरेल कमरा था जिसमें किसी का बैठ पाना बड़ा मुश्किल था, छत टपक रही थी, मगर जामलू को वहां रहना जरूरी था, क्या पता मंत्री जी आ जाए, नेताओं को कोई भरोसा तो नहीं है। आज सवेरे से कोई लाश भी जलने को नहीं आई, वैसे भी मौसम जैसा था, ऐसे में कौन लाश लेकर आ सकता था। ऐसा लगता था जैसे आसमान फट पड़ा है। दोपहर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो जामलू ने मन में एक बार सोचा कि घर चला जाए, मगर फिर ये सोचकर कि इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, छोटी सी गलती मंत्री जी को नाराज कर सकती है और नौकरी से हाथ धो सकता है, जामलू वहीं बैठा रह गया। बादलों ने दिन में ही हल्का अंधेरा फैला दिया था और कमरा वैसे ही सीलन से भरा था। अब धीरे धीरे मच्छर भी परेशान करने लगे थे। जामलू मन ही मन मंत्री को कोसता हुआ वहां बैठा हुआ था। अचानक उसने महसूस किया कि शमशान घाट के अंदर की तरफ कुछ हलचल है। जामलू कमरे के दरवाजे पर निकल आया। बिजली की चमक में उसने देखा कि कुछ लोग अंदर की तरफ खड़े हैं और शायद एक अर्थी भी उनके साथ है। जामलू ने तुरंत ही अपने कागजात संभाले और छतरी लेकर उस ओर चल पड़ा। जब पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उन लोगों ने तो लकड़ी वगैरह सजाना भी शुरू कर दिया था। जामलू दूर से ही चिल्ला पड़ा, अरे कौन हो, बिना सरकारी परमिशन के कैसे चिता सजा रहे हो, रोको। जामलू की आवाज सुनकर वो लोग जैसे चौंक पड़े। जब जामलू पास पहुंचा तो देखा करीब 5 लोग थे और एक लड़की की लाश रखे हुए थे। तेज बारिश में जितनी तेजी से वो काम कर रहे थे ऐसा लगता था जैसे जल्दी से सब कुछ निपटाकर निकल जाना चाहते हैं। जामलू ने उनसे पूछा, कौन है इसका वारिस, ये पेपर पर साइन करो और लाओ 200 रुपए लाओ। भैया हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसे नहीं है हमारे पास, टाइफाइड से मरी है लड़की, जल्दी जला देना चाहते हैं, महामारी हैजे का रूप न ले ले। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब तक सरकारी काम पूरा नहीं होता जाता है कुछ काम नहीं होगा, पैसे लाओ ये कागज वगैरह साइन करो। भैया तुम्हारे हाथ पांव जोड़ते हैं, किसी तरह से निपटा दो, मैं अपने काम के साथ धोखा नहीं करता हूँ, सरकार से तनख्वाह लेता हूँ तो मुझे पूरा काम करना है। भैया हम बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दो भैया। गरीब हो तो ठीक है 100 रुपए दे दो, मगर ये कागजात तो भरवा नहीं होते, बताओ इसका वारिस कौन है। वारिस जिस तरह से वो लोग आनाकानी करने लगे, जामलू को कुछ अजीब लगा।
जामलू ने कड़ाई से पूछा, कौन है इसका वारिस? ठीक से बताओ वरना लाश जलने नहीं दूंगा। अचानक ही वो लोग लकड़ियां फेंककर भाग पड़े। जामलू लंगड़ाते हुए उनके पीछे चल पड़ा। ए, कहां जा रहा हो? ए, लाश छोड़कर कहां जा रहा हो? रुको। मगर शमशान घाट से बाहर तेजी से दौड़कर निकल गए और जामलू ठहरा विकलांग, उनके पीछे दौड़ भी नहीं सकता था। मगर असली मुसीबत तो अब थी। अर्थी भी शमशान में रखी हुई थी, उसका कोई वारिस नहीं था। मौसम जैसा था ऐसे में तो पुलिस थाना जाते जाते 2-2.5 घंटे लग जाते और शमशान छोड़कर जामलू जा नहीं सकता था, कहीं मंत्री जी ना आ जाए। अब किया क्या जा सकता है? जामलू अर्थी के पास जाकर, उसने सुन रखा था इस तरह से अर्थी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, वरना बुरी आत्माएं शरीर में प्रवेश कर जाती। अब छुटपुट अंधेरा सचमुच फैलने लगा था। आसमान में बिजली चमक चमक कर फट पड़ती थी। जामलू ने उस चमकती बिजली में देखा कोई 17-18 साल की लड़की रही होगी। बेचारी पानी में भीग जाने से उसका पूरा शरीर गीला हो गया था। आह, कैसी सुंदर काया थी इसकी। एक पल को जामलू के मन में अजीब सी बातें उठने लगी। सहज वो अर्थी के पास बैठ गया। अर्थी को देखकर उसके मन में विचार आ रहे थे, काश ये लड़की जिंदा होती। आह, कैसा सुंदर रूप रहा होगा इसका, कैसी सुंदर काया थी इसके। मरने के बाद भी शरीर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। पानी में भीग कर तो ऐसे लग रही है जैसे जैसे कोई जलपरी हो। सहजी जामलू का हाथ लाश के हाथ के पास चला, उसे छूकर जामलू ने एक अजीब से संवेदना को महसूस करने का प्रयास किया, जिससे ताउम्र वो दूर रहा। नारी तन का स्पर्श, नारी तन का आकर्षण, हा कितना सुंदर था सब कुछ। मन तो हुआ जामलू का कि वो लाश पर लेट जाए, वो सब कर ले उसके साथ जो ताउम्र करने की इच्छा उसके मन में रही, मगर कर ना सका। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी थी। अचानक उसने मन ही मन सोचा, हा ये क्या सोच रहा हूँ मैं, ये लाश है। छी, ऐसी बातें मुझे नहीं सोचनी चाहिए। तभी आसमान से तेज बिजली चमकी और जो कुछ झामलू ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। सांस बाहर की बाहर अंदर की अंदर रह गई। हर्थी में से लड़की उठ बैठी थी। उसने जामलू का हाथ कसकर पकड़ रखा था। सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बिहारी टोला के महेंद्रनाथ ने मेरी हत्या की। मुझे उसने बिहार के जाल में फंसा लिया और जब मैं गर्भवती हो गई तो मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें सारे संसार में बदनाम कर दूंगी। उसने अपने दो आदमियों के साथ मेरी हत्या की। मुझे विवाह करने के लिए मंदिर में बुलाया और वहां मेरा गला दबाकर मार डाला। तुम्हें बताना होगा, महेंद्र सिंह को सजा दिलाना होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, करोगे तुम ऐसा। जामलू समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। उसके सामने चिता में जलने जा रही लड़की उठ बैठी थी। उससे बातें कर रही थी, उसे निवेदन कर रही थी। ओहो, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सब भ्रम है। जामलू हाथ छुड़ाकर पीछे दौड़ पड़ा और कीचड़ में लथपथ हो गया कीचड़ से और चीख पड़ा। जब होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। मंत्री जी दौरे पर आए तो उन्होंने जामलू को बीच शमशान में अर्थी के पास बेहोश पाया। उन्हीं के आदेश पर जामलू को अस्पताल में भर्ती किया गया था। मगर होश आते ही सा जामलू पागलों की तरह चीख पड़ा था, नहीं, मुझे मजिस्ट्रेट साहब से मिलाया, मुझे गवाही देनी है। महेंद्रनाथ ने उस लड़की की हत्या की है, उस लड़की की आत्मा भटक रही है, उसे मुक्ति दिलानी है। नहीं, बुलाइए मजिस्ट्रेट साहब को, बुलाइए जल्दी।
सरपंच साहब ने जामलू की हालत देखकर तुरंत ही मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया, जामलू ने गवाही दी और खोजबीन करने पर पता चला कि सही में बिहारी टोला में महेन नाम का एक आदमी रहता है जो चरित्र का बहुत दुष्ट किस्म का था और गांव की ही एक लड़की पुष्पा कई दिनों से लापता थी। महेंद्रनाथ को फांसी की सजा हुई और जामलू फिर से लौट आया अपने काम पर, मगर न जाने क्यों उस शाम के बाद से जामलू को शमशान घाट में डर ही लगता था। इस घटना को करीब 1.5 साल हो गए थे, महेंद्रनाथ को फांसी भी हो चुकी थी। एक शाम ऐसे ही जामलू शमशान घाट का चक्कर लगा रहा था कि कोई बिना परमिशन लाश तो नहीं जला रहा है कि अचानक उसने देखा पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है। जामलू को आश्चर्य हुआ, वो उसकी ओर गया। ए, कौन हो तुम? लड़की जब मुड़कर जामलू की तरफ देखा तो जामलू जम सा गया। ये तो वही लाश थी जो उस शाम। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दी। महेंद्र सिंह को फांसी होते ही साथ मेरी आत्मा मुक्ति पा गई, मगर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी वो इच्छाएं पूरी नहीं कर सकी।